हिरणई के बाजार से खरीदकर रायसेन ले जाते समय एक लोडिंग ऑटो को मिर्जापुर बाईपास के पास पकड़ लिया। लोडिंग ऑटो में मवेशियां आदि भरी थी। बंदे ही हैं सब जी, पाँव से बांध रखो, पाँव बने हैं, पाँव से बांध रखो ना, उल्टा के पाँव हवा रही है सर, पानी वाली जो है कैसी हवा रही है चाहिए। पहले तो इसको पड़ा आएंगे, पड़ा आएंगे, इसको छाए में कहीं छाए में खड़ी खड़ी कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे वही तरफ मोबाइल सर इस साइड से करो, मोबाइल वाले भैया इस साइड क्या नाम है भाई आपका? कहाँ कहाँ रहते हो? रायसेन। रायसेन ये बछड़े कहाँ से लाए थे? कहाँ ले जा रहे थे? क्यों क्यों ले जा रहे थे ये बताओ? कुर्बानी के लिए, कटने के लिए, कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के लिए। ईद के दिन कटते हैं ये? तो ईद पे तो बकरे कटते हैं, भैंस के बच्चे सब कटते हैं ना? सब कटते हैं। बताओ कौन ने दिया था तुझे आटा? दिला दे मोटर मालिक का। नाम क्या है उनका? शानू। पूरा नाम बता। कुरैशी। कहाँ रहते हैं? रायसेन में। शानू कुरैशी रायसेन में कहाँ रहते हैं? कसाई मोहल्ले। हाँ कसाई मोहल्ले। उनके पिताजी का क्या नाम है? पता नहीं था। हिरणई में किसने बेचे थे ये? सब वो तो बाजार भरा था आज का। अच्छा तो क्या क्या लाए थे वहाँ से? खरीद के लाए थे लगभग 11:30 के करीब। हमारा जो मिर्जापुर पे एक आदमी लगता है हमारे ट्रैफिक का, उसका मेरे पास फोन आया तो बताया, उसने बताया कि सर पत्रकार शाहिद और उसके साथ एक और सहयोगी थे, उसका नाम भी खुलासा किया, उन्होंने एक जानवरों से भरी हुई गाड़ी पकड़ी है और उस पर उनने बोला है इस पर कार्रवाई कीजिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने टीआई साहब से चर्चा करी इस बारे में, टीआई साहब ने बोला जाके कार्रवाई कर लो और अगर ज़्यादा ख़राब तरीके से जानवर भरे हो तो उसको ले जाके थाने में खड़ी कर देना। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उसमें बहुत क्रूर तरीके से छोटी सी आपे में 8 भैंस के पड़े भर के ये इसको ले जा रहे थे रायसेन। पूछने को पता चला ये हिरणई के बाजार से जो जानवरों का बाजार भरता है वहाँ से ये रायसेन ले जा रहे थे। तो फिर उसको हम लोग अभी कार्रवाई के लिए यहाँ थाना सिविल लाइन में लेके आए हैं। तो इसमें फिर देखते हैं, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की योजना है हमारी। तो अभी विवेचक आते हैं हमारे त्रिपाठी जी, तो यहाँ के अभी मना भी किया गया था कार्रवाई के लिए आपसे? नहीं मना तो क्या है, अब देखिए जिसकी गाड़ी पकड़ते हैं तो वो लोग तो मना करते ही हैं कि सर यहीं चालान काट लो, जो भी कार्रवाई करनी यहीं कर लो। लेकिन अपने को स्थिति के देखते हुए अपन ने जब देखा कि इसमें बहुत क्रूर तरीके से जानवरों का परिवहन किया जा रहा है तो इसके तहत हम इस गाड़ी को थाना सिविल लाइन लेके आए और अब आगे की कार्रवाई के लिए हम। बच्चे का जैसा कहना है कि पैसे मांगे गए थे, किसने पैसे मांगे थे और क्यों मांगे थे? नहीं ऐसा हमारे सामने तो ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ, ना ही हमारे पॉइंट ने हमें बताया भगवती ने कि ऐसा कुछ हुआ। उसको मांगे गए होंगे उससे पैसे या नहीं मांगे गए होंगे वो तो वही बताएगा। हमारे सामने तो जब हम पहुँचे थे तो इनके कुछ सहयोगी आ चुके थे वहाँ पर, क्योंकि वो टाइम हो गया था हमें लगभग आधा घंटे पौन घंटे हो गया था पहुँचने में, क्योंकि मैं दूसरी जगह व्यस्त था। तो जब मैं पहुंचा था वहाँ पे तो इनके भी कुछ सहयोगी आ गए रायसेन से, उन्होंने हमें बोला कि सर चालान काट दो, कार्रवाई यहीं कर लो। तो हमने कहा बेटा यहाँ नहीं हो सकती कार्रवाई, इसकी कार्रवाई थाने में ही होगी, इसके तहत हम थाने में लेके आए।